वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कर दिया फुल सपोर्ट, फैसला अब आपके हाथ में है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, जरा सोच समझकर कदम उठाइएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में तहलका मचाने वाला है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों आने वाले अगले 7 दिनों में दुश्मनों को करारा जवाब मिलने वाला है। जो भी आपको खरी खोटी सुनाते थे, वे भी अब आपके सामने मीठा मीठा बोलने वाले हैं। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, धरती पर ही अब आपको स्वर्ग का सुख मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जिसकी चाहत आपको बहुत दिनों से था, वो चाहत वो इच्छा अब आपकी पूरी होने वाली है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, वीडियो बड़ा ही खास है और आपकी पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद आज की इस वीडियो का निर्माण हुआ है। आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताने वाले हैं, वो जानकारी देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप अभी तक इनसे अनजान थे। अगर आप समय रहते जान लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपको इस धरती पर स्वर्ग जैसा महसूस होने लगेगा, स्वर्ग का सुख मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, परंतु उससे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं, भगवान शिव से सच्चा प्रेम करते हैं, वो दिल से मानते हैं, तो अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रदान कीजिएगा और साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इससे कुछ भी आपका खर्च नहीं होगा, बस थोड़ा सा भक्ति भाव आपको प्रकट करना है। फिर देखिए दोस्तों, आपके कैसे घर बैठे बैठे सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो अपने आप ही बुझ जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको देखकर कोई जलता है, आपकी खुशियां किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसे जलने देना, क्योंकि दोस्तों जलने वाला एक दिन खुद अपने आप बुझ जाता है। बात अगर आपको समझ आई हो, इन जानकारियों से आप सहमत हैं और भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार अगर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उनके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो सांवरिया सेठ की। आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, यह समय किसी महत्वपूर्ण और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें, ये संबंध आपके लिए लाभदायक स्थितियां होंगे। आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से किसी विशेष मुकाम को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। वहीं दोस्तों, विद्यार्थी को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय दूसरों की नकल करने की जगह अपनी खुद की योजना पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इसलिए अपने व्यवहार के लिए मनन और चिंतन जरूर करें। धार्मिक गतिविधियों में भी दिखावे जैसे प्रवृत्ति से अभी आप दूर रहने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, देखिए ग्रह स्थिति आपको यह मैसेज दे रही है कि अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें। इस समय कोई भी सावधानी पूर्वक लिया गया निकट भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। धर्म कर्म और अध्यात्म में भी आपकी आस्था बढ़ेगी, आपको बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, कोर्ट कचहरी से मामलों से अभी आप दूर रहने का प्रयास करें। अहम और गुस्से की स्थिति अपने स्वभाव में कभी भूल से भी न आने दें, अन्यथा इससे नज़दीकी लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। भूमि संबंधित कार्यों में ज़्यादा लाभ की उम्मीद आपको इस समय हो सकता है, लेकिन आपको बस जरा ध्यान रखना होगा। परिस्थितियों से किसी भी प्रकार के समय अभी आप समझौता ना करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे,
आपको बताना चाहेंगी। अगर आप इस समय किसी भी प्रकार की योजना बना रहे हैं तो आप इस समय दूसरों पर ज़्यादा प्राथमिकता ना दें, अन्यथा आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं और किसी नज़दीकी संबंध के साथ पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति बनाने की आशंका बन रही है। आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा किसी से भी अभी आप राय ज़्यादा ना लें तो अभी आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर कोर्ट संबंधित कोई कार्यवाही चल रही है, कोई काम आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, तो वो फैसला अभी आपके पक्ष में होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। बच्चों की कोई समस्या चल रही है तो उसे आप अपने कार्यों को एकाग्रचित होकर हो पाएंगे। और इस समय कुछ लोग आपके नकारात्मक विचारधारा रखेंगे, लेकिन इन सभी बातों पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है और आप अपने कार्यों में ही ध्यान दें और उसी में अभी आप व्यस्त रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। युवा वर्ग नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों से अभी आप जो है दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वे आपको भी सफल नहीं होने देंगे। एक तो वो बेकार है ही, आपको भी बेकार बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे सलाह है, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखिएगा तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों में ज़्यादा सुधार आने की उम्मीद अभी आपको नहीं है, बस धैर्य बनाए रखना होगा। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप जितना हो सके अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में बदलाव संबंधी जो भी नीतियां आपने बनाई है वह सकारात्मक साबित होंगी और कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा। अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। नौकरी पैसा लोगों के ऊपर आज जो है कोई खास जिम्मेदारी आ सकती है और उन्हें बखूबी तरीके से उन्हें निभाना होगा और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय मार्केटिंग संबंधित कामों में व्यस्तता रहेगी। लेकिन दोस्तों, अपनी गतिविधियों को और योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर ना होने दें। अगर कोई आपका पर्सनल बातें हैं, कोई सीक्रेट योजनाएं हैं, तो एक दूसरे के साथ शेयर करने से बचिएगा। नया काम शुरू करने की संभावनाएं बन रही है। नौकरी पैसा लोग अपनी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या फिर जांच पड़ताल हो सकता है, इसलिए आप उसे अपने दायरे में रखें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय कुछ समय जो है पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यतीत करें, इससे संबंधों में सुधार आएगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती है, इस बात का अभी आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। यही आपके लिए बेटर रहेगा।